क्या हेल्प हो सकती है? मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ने से आपके एसे, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स का हाफ पोर्शन, या आपका जो एप्टीट्यूड है कंपटीशन को अटेम्प्ट करने का, उसमें क्या फ़र्क पड़ सकता है? मैथ्स कम्युनिकेशन कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कितना ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, कितना इजी है, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू डू, हाउ टू प्रिपेयर, और इज इट डूएबल, इज इट अडॉप्टेबल और नॉट। तो इन डिफरेंट मौजूदात पे हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, आई थिंक आप में से किसी ने वो अटेंड नहीं किया था, तो आज भी हम इसी पे बात करेंगे। और चूंकि आप में से ज़्यादातर लोग क्योंकि पीएमएस के लिए जा रहे हैं, तो मेरा फोकस आज का यही होगा कि हम पीएमएस के मुतालिक ज़्यादा बात करें। मोस्टली जो स्टूडेंट्स ऑप्ट करने जाते हैं उनका मैथ्स कम्युनिकेशन बैकग्राउंड नहीं होता, और उन्होंने सिर्फ सुन रखा होता है कि मैथ्स कम्युनिकेशन कैसा सब्जेक्ट है। 2 मिनट सिर्फ मैं ये बता दूं कि मेरा नाम नासिर अदीब है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ ग्रेड 18 में दयाल सिंह कॉलेज में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ मैथ्स कम्युनिकेशन का, शाम को UMP को MPhil क्लासेस पढ़ाता हूँ, इसके अलावा बीकन हाउस में विजिटिंग लेक्चरर हूँ, इसके अलावा PhD स्कॉलर हूँ, मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट न्यूज पेपर्स और चैनल्स में काम और वगैरह वगैरह, बस इतना ही काफी। अच्छा जी, सबसे पहले मैथ्स कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? मैथ्स कम्युनिकेशन को आप बहुत सादा लफ्जों में मीडिया स्टडीज कह लें, अगर आपने इसको बहुत सादा करना है तो इसको जर्नलिज्म कह लें, तो आपको आसानी हो जाएगी बातें समझने। हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, मैथ्स कम्युनिकेशन की आपकी जिंदगी में, हम पाकिस्तानियों की जिंदगी में, शायद मजहब से, शायद पाकिस्तानियत से, शायद आपकी उर्दू लैंग्वेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस। आप शायद मतलब तो 12 साल आप मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते रहे, उर्दू पढ़ते रहे, लेकिन आप सिर्फ किताबों की हद तक पढ़ते रहे। मीडिया एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर बसा हुआ है। आप अगर अपने वॉशरूम में जाते हैं तो वहां आपको वो वाला टूथपेस्ट या वो वाला शैम्पू या वो वाला वॉशर मिलेगा जो आपने मीडिया की किसी ना किसी स्क्रीन पे देखा होगा। अगर आप अपने किचन में जाते हैं तो आपको वो वाली आइटम्स, वो फ्रिज, वो ओवन, फ्रिज में पड़ी हुई वो सारी आइटम्स, वो वाली मिलेंगे जो आपने कभी ना कभी मीडिया स्क्रीन पे देखी होंगी, या न्यूज़पेपर्स में आपने उनके मुतालिक पढ़ा होगा या एडवर्टीजमेंट देखी होगी। एंड यू हैव टू अडॉप्ट ऑल दोज थिंग्स। अब मीडिया इतना असर करता है आपकी जिंदगी में और आपसे इतना कुछ करवा लेता होता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता भी नहीं चलता। बस एक छोटी सी मिसाल दे के हम आगे गुजरते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपने टीवी ऑन किया हो, आप देखते हैं कि कोक का या पेप्सी का या ड्यू का एड बार बार चल रहा है। आप समझते हैं कि यार हाउ बोरिंग स्टफ दिस इज, कि मैं हर वक्त अब यही एडवर्टीजमेंट देखता रहूंगा, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यू सी के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे या बैक पेज पे वाले सफ़े पे आपको हूबहू वही कोक का एड मिलता है। देन यू सी यार के थोड़े ये कोई काम है, गो टू द यूट्यूब एंड सी सम वीडियोज और स्क्रोल द सम सोशल मीडिया एप्स, तो आप देखते हैं कि वहां भी कोक का एड अपीयर हो रहा होता है। सोचते हैं कि यार शाम हो रही है तो बहुत बोरिंग है सब कुछ, तो चले बाहर कहीं घूम के आते हैं, तो आपके अपने शहर के बड़े चौक में भी उसी कोक का एड मिलेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोक आपकी जिंदगी में दाखिल होती जाती है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, मतलब आई एम जस्ट ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, कि वो कोक फिर आपकी जिंदगी में ऐसे ऐड हुई कि आपने अपने सारे वो ड्रिंक्स जिनको आप सदियों से कल्चरली पीते चले आ रहे थे, आई मीन लस्सी, आई मीन गन्ने का रस, आई मीन स्पंजबीन, आई मीन सत्तू, वो सब आपने छोड़ दिए और आपने अपनी हर फेस्टिविटी का, हर एंटरटेनमेंट का पार्ट बना लिया कोक को। आप के घर पे कोई जियाफत है, आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी पे हैं, आप किसी प्रोफेशनल फंक्शन पे हैं,
आप चिल करना चाहते हैं, वट एवर कोक इज परमानेंट पार्ट ऑफ योर फेस्टिविटीज। वट आई एक्चुअली मीन टू से इज दिस कि एडवर्टीजमेंट ने, मीडिया इन्फ्लुएंस ने आपकी जिंदगियों को इस कदर मुतासर कर दिया हुआ है कि आप वो वाला सोप यूज नहीं करते, वो वाला टूथपेस्ट यूज नहीं करते, वो वाला खाना ऑलमोस्ट अब आप नहीं खाते, वो वाली कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करते, वो वाले ड्रिंक्स यूज नहीं करते, वो वाली इलेक्ट्रॉनिक्स यूज नहीं करते जो आपने कभी ना कभी मीडिया स्क्रीन पे ना देखी। ये मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। आप ओपिनियन मीडिया से कैरी करते हैं, आप आइडियाज मीडिया से कैरी करते हैं, आप जो अपने डेली रूटीन में क्लेशेस यूज करते हैं, गुफ्तगू यूज करते हैं, आप जिन नॉर्मली जिन आइटम्स पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक्स की हो, व्हाटएवर, वो तकरीबन आपने मीडियम किसी ना किसी मीडियम से मुस्तार ली होती हैं, उधार ली होती हैं। इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस सब्जेक्ट का आपकी जिंदगी, इसलिए इसका पढ़ना बहुत जरूरी। पॉइंट नंबर एक। नाउ वी मूव टू द पॉइंट नंबर टू। आपने देखा होगा, आप यू ऑल आर गोइंग टू अटेम्प्ट मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे CSPs को या PMS ऑफिसर्स को आए रोज मीडिया से वास्ता पड़ता है, उनको मीडिया को ब्रीफ करना पड़ता है, उनको मीडिया को पूरी स्टोरी सुनाना पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ती हैं, न्यूज कॉन्फ्रेंसेस करना पड़ती हैं, रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब देना पड़ते हैं, और इसके अलावा उनको प्रेस रिलीजेस बना के, ये कभी लेक्चर में बताऊंगा प्रेस रिलीज होती क्या है, आपके सिलेबस का पार्ट है, तो प्रेस रिलीज बना के देना पड़ती है रोज, ये नहीं मीडिया को डील करना पड़ता, मीडिया के प्रोपेगेटिव चीजों का जवाब भी देना पड़ता है, अपने डिपार्टमेंट्स को क्लियर भी करना पड़ता है, गवर्नमेंट की साइड को भी क्लियर करना पड़ता है। ये उस बंदे के लिए ज्यादा आसान होगा ना, उस PMS ऑफिसर के लिए, उस CSS ऑफिसर के लिए, जिसने मैस कम्युनिकेशन को बीइंग बतौर एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बजाय उस ऑफिसर के जिसने मैस कम्युनिकेशन को नहीं पढ़ा होगा, जिसने मीडिया स्टडीज, मीडिया हैंडलिंग, मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। ये पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि मैस कम्युनिकेशन आपको इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि मैस कम्युनिकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, मैस कम्युनिकेशन मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नाम है। मैस कम्युनिकेशन पढ़ते हुए आपकी नजर करंट अफेयर्स पे होगी, आप न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे, आप टीवी चैनल्स, टॉक शोज वगैरह देखा करेंगे, जो यूजुअली भी आप कर रहे होंगे, अगर आप मैस कम्युनिकेशन ऑप्ट नहीं भी करते हैं तो भी आप कर रहे होंगे। मैस कम्युनिकेशन पढ़ते हुए आपकी करंट अफेयर्स पे, आपकी वकैब पे, आपके जनरल नॉलेज पे पूरा का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो अखबार पढ़ने के साथ साथ खुद ब खुद ही तैयार होता रहता है, और आपका करंट अफेयर भी तैयार होता रहता है। मतलब आप डॉन पढ़ रहे हैं और आप डॉन में आर्टिकल्स पढ़े, यकीनन आप लोग पढ़ते होंगे, आप डॉन में आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आप डॉन के एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, आप डॉन की खबरें पढ़ रहे हैं, तो आपका सिर्फ करंट अफेयर तैयार हो रहा या ऐसे तैयार हो रहा। लेकिन अगर आप 200 नंबर का साथ मैथ कम्युनिकेशन भी ऑप्ट कर लेते हैं तो वो साथ आपका मैथ कम्युनिकेशन भी तैयार हो रहा होता है। ये तीसरा पॉइंट। ऐसे में आजकल ट्रेंड ये है नॉर्मली कि कोई ना कोई टॉपिक ऐसा डिस्कस जरूर किया जाता है जो मीडिया से, सोशल मीडिया से, मीडिया के ट्रेंड से, मीडिया टेक्नोलॉजीज से, गवर्नमेंट और मीडिया के रोल पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, मीडिया लॉज पे, या मीडिया और सोसाइटी पे, या गवर्नमेंट मीडिया रिलेशनशिप पे, कोई ना कोई ऐसा ऐसे आजकल लाजमी पूछा जाता है। कम्युनिकेटिव साइकोलॉजी पे, इंसान आपस में गुफ्तगू किस तरह करते हैं और उस गुफ्तगू के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के क्या रिजल्ट्स होते हैं, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या सोसाइटी पे इफेक्ट्स होते हैं, जो कि आपके सिलेबस का नॉर्मल पार्ट है, सादा सादा से सवाल आते हैं। लेकिन अगर ऐसे में इस तरह का कोई टॉपिक आ जाए तो यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस। पाकिस्तान अफेयर्स का जो आधा पोर्शन है, जो ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स, वो भी आपका मैस कम्युनिकेशन तैयार कर रहा होता है। जब आप मीडिया के मुतालिक पढ़ते हैं, आप जर्नलिज्म कहते होते हैं कि जो जर्नलिज्म होता है, जो मीडिया होता है, वो रनिंग हिस्ट्री होता है,
जो बातें आज अखबार में छप रही हैं वो कल को किताबों में छपती होती हैं। तो जब आप रनिंग हिस्ट्री साथ साथ पढ़ रहे होते हैं तो इसका मतलब है आपका करंट अफेयर्स, आपका पाक अफेयर्स, आपका ऐसे, आपके कंप्रिहेंशन में जो 20 नंबर का आपको छोटा सा ऐसे लिखने को बोला जाता है वो भी ऑलमोस्ट यही करंट अफेयर्स के टॉपिक और मीडिया और कम्युनिकेशन और इस तरह की चीजों के मुतालिक होता है, जो बहुत जनरल सा होता है। मैथ्स कम्युनिकेशन आपको उसकी तैयारी में भी बहुत हेल्प करेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने साथ सोशियोलॉजी या कोई लैंग्वेज जॉब की होती है, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब शायद पॉइंट नंबर 4 है या 5 है कि आप लोग इसमें, हम जब मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन टॉपिक्स हैं जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इब्लाग क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, वी मीन बाय इट के हाउ ह्यूमन टॉक, हाउ पीपल शेयर विद देयर फीलिंग्स, देयर आइडियाज, देयर इमोशंस विद ईच अदर, सोसाइटी का नैरेटिव कैसे बनता है, लोग किस मूड में कौन सी बात करते हैं, लोगों के एक्सप्रेशन क्या बताते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ये बहुत सादा सी चीजें, जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे और आप 4 या 5 मेंबर्स के पैनल के सामने इंटरव्यू देने बैठे होंगे तो आप बाकियों की निस्बत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे क्योंकि आपको कम्युनिकेटिव स्ट्रेटेजी आती होगी। और वो पोर्शन जो आपने कहीं इंटरव्यू स्किल्स में जाके सीखना है या कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है वो आपको मैथ्स कम्युनिकेशन के लेक्चर्स के दौरान समझ आ जाएगा कि इंटरव्यू स्किल्स, जवाब देना, सवाल पूछना, सवाल की टोन समझना, कॉन्फिडेंट होना, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना, ये सारा कुछ मैथ्स कम्युनिकेशन के सिलेबस का हिस्सा है। आप लोगों के पास अगर पीएमएस का सिलेबस है, अभी हम उसका कंटेंट डिस्कस भी करेंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की तरफ आते हैं, पिछले कई सालों से, क्योंकि सीएसएस में ये पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था, अब सीएसएस में ये 100 मार्क्स का हो गया हुआ है, लेकिन पीएमएस में इसके लिए 200 मार्क्स का ही है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं। एंड लेट मी शेयर विद यू दिस वंडरफुल स्टैटिस्टिक्स के ऑलमोस्ट 2000 to 2500 स्टूडेंट्स हर साल मैथ्स कम्युनिकेशन ऑप्ट करते हैं और इसका पासिंग रेशो है 90 to 95%, 90 to 95%, ग्रेजुएशन और इंटर से भी ज्यादा। 50 to 65% स्टूडेंट्स वो होते हैं जो 60% से ज्यादा स्कोर करते हैं। आई एम रिपीटिंग दीज स्टैट्स, 2000 से 2500 तक स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं, 90 से 95% इसका पासिंग रेशो है, यानी आउट ऑफ एवरी 100 90 to 95 स्टूडेंट्स इजीली पास दिस सब्जेक्ट विदाउट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन। एंड आउट ऑफ दोज 90 to 95%, 50 to 65% आर दो स्टूडेंट्स हु गेट मोर देन 60% मार्क्स, मोर देन 60%। और इसमें 20 to 30% स्टूडेंट्स होते हैं, वो होते हैं जो मोर देन 75% मार्क्स ले लेते। यानी अगर आप एवरेज स्टैंड भी करें तो आप 130, 140, 125, 145 आसानी के साथ स्कोर कर सकते हैं। ये मैथ्स कम्युनिकेशन का पिछले कई सालों का ट्रेंड है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, फिर उसमें हम उसके बाद हम कंटेंट पे जाते हैं, कि मैथ्स कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी समझ के बहुत करीब है। दैट इज रियली वेरी क्लोज टू योर कॉमन सेंस। मतलब आप खबरें पढ़ रहे हैं, खबरें सुन रहे हैं, खबरें देख रहे हैं और आ साथ आपने दो चार पेजेस इस बात पे पढ़ लिए कि खबर क्या होती है, खबर बनाते कैसे हैं, खबर रिपोर्टर कलेक्ट कैसे करता है, खबर के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, तो
तो आपको आपका टॉपिक भी तैयार हो गया, आपका एक सब्जेक्ट भी तैयार हो गया, और आप खबरें तो सुन ही रहे हैं, वो आपको समझ भी आ रही होती है कि ये खबर है। क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज है, मैं PhD स्कॉलर हूं, मैं एक न्यूज सुनूंगा तो मुझे भी वही समझ आएगी। कोई बिल्कुल अनपढ़ है या कोई प्राइमरी पास है वो खबरें सुनेगा तो उसको भी वही समझ आएगी। मीडिया का कंटेंट ऐसे डिजाइन होता है और कोर्स का कंटेंट भी ऐसे ही डिजाइन है। अगर आपका बैकग्राउंड नेचुरल साइंसेस का है, सोशल साइंसेस का है, आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार इट इज वेरी क्लोज टू द कॉमन सेंस। मतलब रोल ऑफ रेडियो है, तो रेडियो तो आप वैसे भी सुनते होंगे अगर आपका सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन नहीं है। रोल ऑफ टेलीविजन है, टेलीविजन तो आपको वैसे लोग आमतौर पर बाहर खड़ों में बैठ कर डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार टेलीविजन की वजह से क्या मसाइल हुए हैं, सोसाइटी पे क्या असरात पड़े हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। और आप तो फिर माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो लेमैन को भी बातें पता होती हैं। बट यू जस्ट नीड टू असेंबल दोज आइडियाज, यू जस्ट नीड टू ऑर्गेनाइज दोज आइडियाज एंड पेन डाउन इन अ सिस्टमेटिक स्टाइल टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। बस इतनी सी बात है। और इसमें बहुत सादा सा इसका कॉन्टेंट है कि जर्नलिज्म के एथिक्स क्या होते हैं। अच्छा फर्ज करें जर्नलिज्म के एथिक्स में हम डिस्कस करेंगे और आपने नहीं पढ़ा हुआ मैथ्स कम्युनिकेशन, तो क्या आपकी इतनी अप्रोच और इतनी सेंस नहीं होगी कि आप आसानी से बता सकें कि सर जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो नेशनल जो सीक्रेट होते हैं उन पे बात ना करे, वो फिरका वारियत पे बात ना करे, ये बुरी बात होगी। ये मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। उसे चाहिए कि वो इंटरप्रोविंशियल हारमनी के लिए काम करे, ना कि कोई तासुब फैलाए सूबों के दरमियान। उसे चाहिए कि लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरवीन ना करे। उसे चाहिए कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ न्यूज दे। उसे चाहिए कि जब कोई बंदा चाहे कि यार मेरी खबर ना छापी जाए तो उसका उसकी प्राइवेसी का या उसकी इंडिपेंडेंस का या उसकी लिबर्टी का रिगार्ड करे। उसे चाहिए कि गवर्नमेंट्स को बिला वजह डिफेम ना करे। उसे चाहिए कि ब्लैकमेल ना करे। उसे चाहिए कि प्रोपेगेंडा टूल ना बने। उसे चाहिए कि मुल्की राज ना बेचे। मतलब हाउ सिंपल इट इज। और ये पूरा आपका एक टॉपिक पढ़ा भी दिया और डिस्कस भी कर दिया, पूरा आपका बुलेट टॉपिक है ये एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस पेपर 1 पे 4 नंबर पे। तो व्हाट आई मीन टू से दैट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू योर सेंस, टू योर कॉमन सेंस। जो आप नॉर्मली सोचते हैं अपनी सोशल लाइफ के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में, मीडिया लाइफ के बारे में, वही इस सब्जेक्ट की तैयारी का हिस्सा है। तो कंक्लूडिंग इज दिस दैट दिस सब्जेक्ट इज वेरी इजी टू प्रिपेयर, वेरी इजी टू गेट, वेरी इजी टू सेंस, इररिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट दैट आइदर यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ मास कम्युनिकेशन और नॉट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर खबरें सुनते हैं, आप अगर करंट अफेयर तैयार कर रहे हैं, अगर आप अपना ऐसे तैयार कर रहे हैं, तो मैथ्स कम्युनिकेशन तो इज लाइक हलवा फॉर यू। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। मैथ्स कम्युनिकेशन का जो PMS का सिलेबस है ये 200 नंबर का है। 100 नंबर का पेपर 1 होता है, 100 नंबर का पेपर 2। पेपर 1 में भी 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है, पेपर 2 में भी 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आती है। यानी आपको 40 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव ऑप्ट करना होती अटेम्प्ट करना होती है और 160 मार्क्स की सब्जेक्टिव अटेम्प्ट करना होती है। और बिलीव यू मी कि पिछले कई सालों से, फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर्स, जो 40 नंबर की ऑब्जेक्टिव आ रही है इन दोनों पेपर्स में, वो कुल मिला के कोई 150 150 टर्म्स हैं, नॉलेज हैं, क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं और वही बार बार पूछे जाते हैं। इफ यू सी क्लास से फारिग होके मैथ्स कम्युनिकेशन के पास पेपर्स अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि यार सेम टर्म्स आर रिपीटिंग ऑलमोस्ट एवरी ईयर, और वो बहुत सादा होंगी। अच्छा उन 20 में से, मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ, उन 20 में से 5-6 तो बिल्कुल ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, उनका मैथ्स कम्युनिकेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता। मसलन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का नाम बता दें, मसलन पैमरा स्टैंड फॉर, जो वैसे भी आप अपना GK तैयार करते हुए पढ़ेंगे। मसलन
कुछ भी, ब्रिटिश का ऑफकॉम स्टैंड फॉर ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत ही जनरल नॉलेज के इंटीरियर मिनिस्टर का नाम बता दें, किसी अखबार के मालिक का नाम बता दें, इस अखबार का चैनल कौन सा है ये बता दें, जैसे जंग अखबार है तो जियो उनका चैनल। ये बहुत ही सादा सी बातें आपसे पूछी जाएंगी जो ऑलरेडी आपके नॉलेज में होंगी, तो क्यों ना उसी नॉलेज को यूज करके आप एक पूरा 200 नंबर का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। नाउ कम बैक टू द सिलेबस, टू द कॉन्टेंट एक्सक्लूसिवली। तो अगर आप इसका पेपर वन देखते हैं तो आपको उसमें 10 टॉपिक्स मिलेंगे, और ये 10 बहुत ज्यादा हैं। हम इनको तकरीबन कोई 10 से 12 लेक्चर्स में एक पेपर आपका कवर हो जाएगा। आप पहला देखते हैं, वो कहते हैं जी न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, न्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूज़ की लैंग्वेज क्या होती है, ये आपका पहला टॉपिक। और बिलीव यू मी इट्स गेम ऑफ 15 मिनट्स कि आपको ये पूरा समझ आ जाए न्यूज़। फिर है जी फीचर क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एडिटोरियल क्या होता है। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया कि कॉलम्स तो आप वैसे भी पढ़ रहे होंगे मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में, फीचर्स भी पढ़ रहे होंगे। फीचर होता है वो जो कलर्ड पेज पे आर्टिकल छपते हैं उनको फीचर कहते हैं। और आप एडिटोरियल्स भी पढ़ रहे होंगे, एडिटोरियल वो जो अखबार की हेडिंग के नीचे पहला मजमून छपता है उसे एडिटोरियल कहते हैं। तो ये बिल्कुल ही ऐसा है जैसे आपसे कोई पूछे कि मोबाइल फोन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दें। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज एजेंसीज, कि न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, मसलन उसमें चीफ एडिटर कौन होता है, ब्यूरो चीफ क्या होता है, रिपोर्टर कौन होता है, कौन से रूम में क्या काम हो रहा होता है, कौन से। और ये कॉमन सेंस की बात है यार कि कुछ लोग होंगे जो न्यूज लिखते होंगे, कुछ उसकी एडिटिंग करते होंगे, कुछ उसका फाइनेंस देखते होंगे, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कुछ उसका फाइनेंस देखते होंगे, कुछ उसका कलर पेज तैयार करते होंगे, कुछ उसका स्पोर्ट्स पेज तैयार करते होंगे, कोई रिपोर्टर होगा, कोई चीफ रिपोर्टर होगा, कोई एडिटर होगा, कोई सीनियर एडिटर होगा, कोई चीफ एडिटर होगा। ये मैंने आपको बता भी दिया कि न्यूज़पेपर में होता क्या है। तो अगले टॉपिक पे आए तो जी एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अगले पे आए तो वो कहते हैं जी प्रेस लॉज इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट मीडिया रिलेशनशिप कैसे हैं। तो प्रेस लॉज आप चार, अभी भी कुछ पैमरा एक लॉ है, उसके अलावा प्रेस इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसके अलावा बेनजीर भुट्टो के दौर का एक लॉ था, जनरल अयूब के दौर का एक पीपीओ है, प्रेस एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस, ये 3-4 लॉ हैं जो दो दो तीन तीन पेजेस के हैं और जिनकी कोर और जिनकी बेस तकरीबन एक ही चीज होती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस और उस पर मुतलका कुछ आर्टिकल्स, बस ये हमने पढ़ने हैं। छठे पे आए तो ये बातें आप 1000 दफा पढ़ चुके होंगे, सर सैयद क्या थे, मौलाना जफर अली खान क्या थे, मोहम्मद अली जौहर क्या थे, ये रिपीटेबल चीजें ही नहीं है। आप इस्लामियात में, सॉरी पाक स्टडीज में पढ़ चुके हैं, और अगर आप अपना, आप में से किसी ने पाक अफेयर, जाहिर है कंपल्सरी है तो आपने ऑप्ट किया होगा, उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़नी है। तो व्हाट आई वाज सेइंग बिफोर कि अगर आप पाक स्टडीज तैयार कर रहे हैं, पाक अफेयर तैयार कर रहे हैं, तो आपका साथ मैस कम्युनिकेशन भी तैयार हो रहा है। आगे जी रोल ऑफ रेडियो, सोशल मीडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियो और टीवी डॉक्यूमेंट्री, डिफरेंस बिटवीन द न्यूज ऑफ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां जी जल्दी आ जाती है, वहां जी छप के अगले दिन आती है, वो जी मुख्तसर बताते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम होता है, वो डिटेल में लिख देते हैं क्योंकि वो बकिया पेजेस भी उनके पास होते हैं तो वो ज्यादा लिख सकते हैं, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता, उसे स्टोर भी किया जा सकता है, मतलब वेरी कॉमन थिंग्स। और ये आपका एक पूरा पेपर है जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है पिछले 1-1.5 मिनट में। अगर आप इसके पेपर 2 पे आते हैं तो डेट्स ऑल्सो वेरी मच लाइक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। मसलन कम्युनिकेशन क्या होती है, सॉरी मसलन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सोर्स, मैसेज, चैनल वगैरह, कौन बात करता है, कौन बात को रिसीव करता है और इंसान उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता है। फिर है बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या रुकावटें होती हैं इंसानों की बातचीत में। देन प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अभी देखिए जब आप ये चीजें पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे मैं अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, यार अच्छी कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके बैरियर कैसे दूर करने होते हैं, उसे इफेक्टिव कैसे बनाना है। और ये बातें आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। डिफरेंस बिटवीन मैस कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, वेरी इजी। देन टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, पीआर क्या होती है, एडवर्टीजमेंट क्या होती है,
इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है पाकिस्तान में और एडवर्टीजमेंट एज लाइफ ब्लड ऑफ मीडिया, इस पे ये एडवर्टीजमेंट की अहमियत क्या है, जिसका मैंने स्टार्ट भी लिया था कोक वाली एग्जांपल दे के आप, तो ये इसका कंटेंट है। सीएसएस का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आप में से चूंकि कम लोग शायद सीएसएस इस दफा ऑप्ट कर रहे हो या वट एवर, 60 to 70% जो सिलेबस है सीएसएस का और पीएमएस का वो ओवरलैप करता है, वो क्रॉस करता है, और सीएसएस की तैयारी के दौरान आपकी पीएमएस की तैयारी हो रही होती है मास कम्युनिकेशन की, और पीएमएस की तैयारी के दौरान आपकी सीएसएस की तैयारी हो रही होती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट एंड यू डेफिनेटली हैव कंक्लूडेड फ्रॉम माय होल डिस्कशन, इजी सब्जेक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू स्कोर, इजी टू हैंडल, इजी टू प्रिपेयर। अगर आपका 200 नंबर का है तो इट विल टेक हार्डली लेस देन 1 month, मतलब इफ यू आर अटेम्पटिंग फॉर पीएमएस, और अगर आपका ये सीएसएस के है तो इट विल टेक 2 weeks फॉर 100 marks। तो व्हाट सिंपली आई एम ट्राइंग टू से, और आई हैव बीन ट्राइंग टू से, कि यू मस्ट गो फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस इज वेरी हेल्पफुल इन योर एसे, इन योर पार्क अफेयर्स, इन योर करंट अफेयर्स, इन योर 20 marks एसे इन कॉम्प्रीहेंशन एंड इन योर कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड योर एप्टीट्यूड एंड योर जनरल नॉलेज एंड योर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, जिन सारी चीजों के होते हुए अगर आप कंपटीशन अटेम्प्ट करते हैं तो यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू टू पास, टू गेट थ्रू। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, इफ यू पीपल वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और एनी थिंग आई एम हेयर टू रिस्पॉन्ड, प्लीज। अब्दुल्ला आपने कोई सवाल पूछना है? अनम, हमजा, मिरहा, मुनीब, नयाज, नूर, राफिया, सहर, शाहीन, सुहेल, वकास, एनीबॉडी वन आस्क एनीथिंग। हाँ जी मुनीब पूछें। पूछें भाई, आपने हैंड रेज किया है। आपको मतलब मुझसे बात करके पूछना होगा, मैसेजेस मेरे तक नहीं पहुंचते, आई डोंट नो व्हाई। चीफ ऑफिसर की तैयारी, हाँ एकेडमी करवाती है, एकेडमी ने आपको अपना नंबर भी दिया होगा, आप उनसे बात करें। जी हाँ, किसी ने पूछा हुआ है कि सर आप बुक्स रिकमेंड करेंगे? हाँ जी बुक्स भी रिकमेंड करूँगा, अपने नोट्स भी दूंगा, बहुत आसान रहेगा ये मामला आपके लिए मैथ्स कम्युनिकेशन वाला, आप वो सारी चीज़ें मिलेंगी, नोट्स भी और बुक्स भी। सर अनम्यूट कर दें, ओके कर देता हूँ। हाँ जी बोले आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सर मैंने पीएमएस के पास्ट पेपर देखे हैं, तो उनमें सर मैथ्स ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन तो के। हुए हैं। जी सर मैथ्स कम्युनिकेशन के सर उनमें ऑब्जेक्टिव नहीं है जो आप कह रहे हैं, 20-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव है दोनों पेपर में। ऑब्जेक्टिव नहीं है, जी सर, सर सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 8 में से 5 करने हैं दोनों पेपर में, 5 करने होते हैं। हाँ ठीक है, तो कोई सीएसएस मसला में नहीं है। ऑब्जेक्टिव है। हाँ सीएसएस में ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। सर मेरे सर 2 क्वेश्चन है सर, काइंडली एड्रेस कर दीजिएगा। जी सर नंबर 1 ये कि आपकी सर क्या स्ट्रेटेजी होगी तैयारी, मतलब किस तरह लेक्चर टेस्ट वगैरह, मतलब इस बारे में बता दें। बेटा, जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस पे प्रॉपर लेक्चर दूंगा, सर फिर उसके साथ रिटन मटेरियल प्रोवाइड करूंगा,
जी फिर सर, जो लास्ट पार्ट होगा हमारे लेक्चर में उस पे हम डिस्कशन किया करेंगे, पूरी फ्रूटफुल और हैवी डिस्कशन उसी टॉपिक पे, ताकि आपकी जो क्यूरीज हैं वो क्लियर हो जाया करें। जी सर, और उसके बाद आपका टेस्ट हुआ करेगा, और हर टॉपिक का टेस्ट हुआ करेगा, देन आपका हाफ सिलेबस का टेस्ट होगा, देन नेक्स्ट हाफ का, और फिर आपका फुल सिलेबस का भी टेस्ट। तो टेस्ट की तो ये स्ट्रेटेजी है, और क्लास की स्ट्रेटेजी ओपन है, मतलब आप दरमियान में मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप बाद में कुछ पूछना चाहते हैं, यू आर अलाउड एनी टाइम। जो आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे सर, तो हाँ सर वो उसमें जो बाहर की बुक्स होती हैं, फॉरेन बुक्स, उनमें से भी चीज़ें होंगी ऐड उनमें? में से भी चीजें होंगी, पाकिस्तानी ऑथर्स की भी हैं, और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो भी मैंने पेन डाउन की हुई है। सर सेकंड सर क्वेश्चन ये कि सर अच्छी तैयारी के साथ कितने नंबर आ सकते हैं सर मैथ्स काम में, वन पीएमएस फिफ्टी में? प्लस 150+ 150+ सर मैंने शायद आप लेट ज्वाइन किया, मैंने ट्रेंड बताया है कि सर 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 20 से 25% थैंक 75% स्कोर कर लेते हैं। यू सर। जी सर, थैंक यू सर। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी मेरा ख्याल है फ्रॉम थर्सडे, बाकी सर? सर टाइमिंग यही एकेडमी, रखेंगे हाँ रात का? जी रात की, मेरा ख्याल है एकेडमी आपको कंफर्म कर देगी। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम। और कोई बच्चा जी? सर, इफ समवन वांट टू रिप्लेस पंजाबी विद मैथ्स कम्युनिकेशन, देन इट वुड बी अ वाइज डिसीजन और शुड गो विद द ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट लाइक पंजाबी। अगर पंजाबी आपका प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है तो देन तो रिप्लेस करना वाइज डिसीजन नहीं होगा। विच वन वुड बी द गुड अमंग द टू? ऑब्वियसली द प्रिपेयर्ड वन, जिसपे आपने मेहनत की है, जिसको आपने टाइम दिया है, जिसको आपने तैयार किया हुआ है। इफ इट इज रियली प्रिपेयर्ड वन तो फिर तो यू शुड गो फॉर पंजाबी। प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट को छोड़ के वाई शुड बी गो फॉर द अदर सब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रिपेयर्ड। आपका शोर बहुत आ रहा था, आपको इसलिए म्यूट किया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, अपना फिजिकल क्लासेस की फैसिलिटी होगी ऑनलाइन की बजाय? आपकी मुझे आवाज ठीक से नहीं आ रही। सर मैं पूछ रहा हूँ कि फिजिकल क्लासेस की कोई फैसिलिटी होगी लाहौर में आपके यहाँ? होगी होगी होगी, व्हाई नॉट। ठीक है, तो काइंडली अपना अपना एड्रेस बता दें जहाँ पढ़ाते हैं फिजिकल क्लासेस के लिए। फिजिकल क्लासेस मेरा ख्याल स्टडी रिवर के ऑफिस ही हो जाएंगी, नहीं तो वो आपको मेरा कांटेक्ट नंबर दे देंगे। हाँ चलें ठीक हो गया जी। सर ये कब तक पता करें कि आप कब कब से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्लासेस? आज ही पता कर लें, क्लास के फौरी बाद पता कर लें, मेरा नंबर वहां चलें से ले ठीक लें, जी, ठीक हो गया सर, थैंक यू। या जो कोऑर्डिनेटर है हमारे, उन्होंने जो आपको ऐड सेंड किया होगा उसमें उनका नंबर होगा, हमसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको बता देंगे। चलें ठीक होगा जी, मैं फोन करके बात कर लेता हूँ जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। डॉट और कोई कुछ पूछ? अब्दुल्ला आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया। जी विकास। सर मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने
एनालिसिस किया है इसका सर, सीएसएस के पेपर्स का और पीएमएस में। सर इसमें जरा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पेपर की वो लाइन हो जाती है जैसे सीएसएस में, तो इसमें सर किस तरह का ट्रेंड रहता है कि बेसिक पीएमएस क्वेश्चंस में आते ज्यादा हैं कि एनालिटिकल नहीं है। अच्छा, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। पीएमएस में ज्यादा एनालिटिकल नहीं है, पीएमएस में बहुत सीधा सीधा है, जैसे ग्रेजुएशन का कोर्स कंटेंट होता है। लेकिन सीएसएस में थोड़ा सा एनालिटिकल है, और वो इतना को एनालिटिकल है जो आपकी सेंस के बहुत करीब होता है। मसलन सपोज आपसे वो पीएमएस में पूछते हैं कि रेडियो के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दें, या रेडियो का सोसाइटी की डेवलपमेंट में रोल बता दें, तो ये लिखना बहुत आसान है। सीएसएस में वो इसी सवाल को इस तरह पूछ लेंगे कि रेडियो इज आउटडेटेड कम्युनिकेशन मीडियम नाउ, वकास आपको मैंने जब सवाल का जवाब दिया तो आप उस दौरान थे मेरे साथ। जी अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सीएसएस के लास्ट ग्रुप में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर एस्पिरेंट्स या पंजाबी ऑप्ट करते हैं या सोशियोलॉजी ऑप्ट करते हैं, तो ठीक है, ऐसे सिनेरियो में आप क्यों ये रिकमेंड करना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स मैथ्स कम्युनिकेशन ऑप्ट करें? हमने जो हमारी अर्ली डिस्कशन का ज्यादातर फोकस था वो पीएमएस था, सीएसएस पे हमने लास्ट सेशन किया था। और ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि सीएसएस में अगर आपके पास 200 नंबर का प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट है या ऐसा सब्जेक्ट जिसकी हैंडलिंग आपके लिए आसान है, देन तो आप मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए ना जाएं। अगर आपके पास नहीं है और यू आर सर्चिंग फॉर अ सब्जेक्ट दैट कैन हेल्प यू इन गेटिंग गुड मार्क्स, तो फिर आप डेफिनेटली मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए जाएं। और सजेस्ट मैं ये इसलिए करता होता हूँ कि इसका कंटेंट बहुत छोटा है और ये आपको 10 से 15 दिन में एक पूरा प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट मिल जाएगा, और जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं खंगालनी पड़ेंगी, कोई बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइजेशन नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। इट इज ईजी टू प्रिपेयर, ये मैं इसलिए सजेस्ट करता होता हूँ। एंड सेम इज द केस विद मैथ कम्युनिकेशन, पीएमएस मैथ कम्युनिकेशन एज वेल। अच्छा, तो अगर ये सब्जेक्ट आपका एक पूरा सब्जेक्ट 100 नंबर का 10 से 15 दिन में तैयार हो जाता होता है, तो आप उसको साइड पे करके बाकी जो सब्जेक्ट जिनमें आपकी ग्रिप जरा कमजोर होती है उन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और सीएसपीज को या सीएसएस एस्पायरेंट्स को तो मैं मैथ्स कम्युनिकेशन इसलिए भी रिकमेंड करता होता हूँ कि उनके लिए ये अपना एप्टीट्यूड और अपना एटीट्यूड बेहतर करने के लिए, कम्युनिकेटिव स्टाइल बेहतर करने के लिए, गुफ्तगू का अंदाज बेहतर करने के लिए, लोगों से डील करने के लिए, मीडिया हैंडलिंग के लिए इस सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ना चाहिए, ताकि जब कल को वो सीएसएस कर जाएं और सीएसपी यूज हो जाएं तो उनके लिए फील्ड में बड़ी आसानी रहे और आपके इंटरव्यू में भी ये बहुत हेल्प करे। सर मेरा एक और क्वेश्चन है इसी हवाले से कि आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि स्टूडेंट्स स्पेशली सीएसएस के मैथ्स कम्युनिकेशन ऑप्ट नहीं करते हैं? क्या ये कम स्कोरिंग है या कोई ये सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, या कोई और वजह हो सकती है? अच्छा, इसकी पहली वजह तो ये है कि ये 2015-16 तक 200 नंबर का होता था सीएसएस, तो अब ये जाके कहीं उन्होंने 100 नंबर का कर दिया है, तो इसलिए स्टूडेंट ऑप्ट नहीं करते क्योंकि फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ज्यादा हो जाते हैं।
नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से बचने के लिए स्टूडेंट्स फिर कोशिश करते हैं कि हम एक पूरा 200 का ले लेते हैं, टाइम जो देना तो एक ही सब्जेक्ट को दे दें ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। लो स्कोरिंग ये बिल्कुल नहीं है। मैंने जब ऑप्ट किया था आई गॉट 81 मार्क्स, तो तब तो मैं नया नया मैथ्स कम्युनिकेशन करके फारिग हुआ था यूनिवर्सिटी से। आई गॉट 81 मार्क्स। मेरे पास जितने बच्चों ने पढ़ा है अब तक वो भी 65 70 75 के आसपास पढ़ते हैं। सीएसएस वाले, पीएमएस वाले तो 130+ भी जाते हैं। आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट सिंस लास्ट 6 to 7 years सिंस माई इंस्ट्रक्शन। आई गॉट सिलेक्टेड इन 2012 एज लेक्चरर मैथ्स कम्युनिकेशन, और असिस्टेंट प्रोफेसर फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ 2017 में। तो मेरे पास 2013-14 से लोग पढ़ रहे हैं, तो बड़ा इजीली वो इसको पास भी कर जाते हैं। और 60+ 70+ थोड़ा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे भी, जाहिर है सब कुछ टीचर का कमाल नहीं होता, आसानी से स्कोर कर जाते हैं और विद इन 15 to 20 days उनका प्रिपेयर भी हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई बंदा सवाल पूछना चाह रहा हो? अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम। मैंने क्लास लेट एक्चुअली ज्वाइन की, तो काइंडली बुक्स रिकमेंड कर देंगे पीएमएस के लिए, मास हाँ, बुक्स कम्युनिकेशन। एक तो मास कम्युनिकेशन की बुक्स उन्होंने दी भी होती हैं आपको रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में। उनमें से आपने जो डॉक्टर मस्कीन हिजाजी की बुक लेनी है, अब्दुल सलाम खुर्शीद साहब की लेनी है, राइटर्स के नाम लिख लें। वैसे तो ये उर्दू में किताबें हैं। सर काइंडली रिपीट कर दीजिएगा। डॉक्टर मस्कीन हिजाजी की बुक है फन इरादत, फन सहाफत। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद की एक बड़ी अच्छी बुक है, प्रोफेसर इफ्तखार खोखर हैं उनकी बड़ी अच्छी बुक है। वैसे तो एमए मैथ्स कम्युनिकेशन के लिए है, लेकिन वो डेट ऑलमोस्ट कवर्स होल ऑफ द पीएमएस एंड सीएसएस सिलेबस। और थैंक कुछ यू सर। कॉन्सेप्चुअल चीजों के लिए आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो हम डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स से तैयार किए हुए हैं विद आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। और कुछ पूछ, खवातीन ने किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा? हलीमा, मिरहा, नियाज, राफिया, सॉरी राफिया। किसी ने कुछ पूछना है या हम वाइंड अप कर दें? आई थिंक आप लोगों के सवाल खत्म हो गए, तो मेरा आप लोगों के साथ सेशन बड़ा अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लाजमी कंसिडर करें सब्जेक्ट को, इसलिए नहीं कि मैंने पढ़ाना है, इसलिए कि ये आपका कम वक्त में तैयार हो जाने वाला एक अच्छा सब्जेक्ट है जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको बहुत सपोर्ट करने जा रहा है। नियाज, आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। नियाज, क्या पूछा था आपने? मैंने आपको अनम्यूट किया, आप बात करें, क्या पूछा था आपने? जी अस्सलाम वालेकुम सर। फिजिकल क्लासेस के बारे में। जी फिजिकल क्लासेस के बारे में पूछा था कि आप स्टार्ट कर रहे हैं लाहौर में, आपने मैंने कहा था यहाँ कि नंबर, जी जी नंबर मैंने सेव अपना कर लिया नंबर मैंने। शेयर। अच्छा, तो दूसरा जी जो कोऑर्डिनेटर है हमारे उनका नंबर भी आप तक पहुंच गया होगा, तो हमने इसी वीक में स्टार्ट कर देने। हाँ जी ठीक है सर, मैं रब्ता कर लूंगा जी आपसे। ठीक हो। जी थैंक यू सर। एनीवन एल्स वांट टू आस्क एनीथिंग भी, और शुड बी वाइंड अप द सेशन? आई थिंक यू आर डन विद योर क्वेश्चंस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, और बड़ा अच्छा रहा आपके साथ ये वक्त। सब्जेक्ट को लाजमी चूज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको बहुत फायदा होगा और आप मुझे याद करेंगे कि हाँ ये अच्छा सब्जेक्ट किसने गाइड किया था, कि तो हमारी बहुत सारी तैयारी में
ऐसे ही राह चलते बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सीएसएस, फॉर पीएमएस, व्हाट एवर यू आर डूइंग। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ओके जी, थैंक अल्लाह हाफिज। यू सर, अल्लाह हाफिज।